जी बहुत अच्छी तरह से हो रही है यहाँ पे, बहुत अच्छी सुविधा है। साथ में जो कैंडिडेट नए नए आते हैं जिन्हें इतना नहीं पता होता, उनके लिए पूरे कंफर्टेबल है और यहाँ में सब कुछ बता रहे हैं अच्छे से। फिलहाल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो क्या क्या प्रोसीजर क्या फॉलो करना पड़ रहा है शुरुआत से लेकर? शुरुआत से बस यही है कि पहले एडमिट कार्ड चेक हो रहे, उसके बाद ही है नंबर वगैरह दिया जा रहा है, टैग नंबर, और उसके बाद अच्छे से यहाँ पे बायोमेट्रिक हो रहा है, उसके बाद अच्छे से आप रेस लगा सकते हैं। टाइमिंग कितना लग रहा है पूरा फिजिकल में अंदाज़ा? अंदाजा मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है, प्रोसेस जल्दी हो रहा है क्योंकि मेरी 8:30 की थी और अब शायद 8:30 हुए भी नहीं, उससे पहले मेरा अच्छे से होगा क्योंकि उसके बाद धूप होने के बाद इतना अच्छा नहीं रहता। और फिजिकल का जो टाइमिंग दिया गया वो ठीक है या कम लग रहा है आपको? हाँ, अगर पुलिस में है तो अच्छी बात है कि लड़कों के लिए तो और ज़्यादा होता है, लेकिन लड़कियों के लिए अच्छी है। अगर कोई मेहनत करता है तो तभी होगा, क्योंकि पुलिस की ऐसी जॉब है कि इसमें थोड़ा बहुत रनिंग तो होना चाहिए। तो कितना टाइमिंग लग रहा है आपको पूरा कर दिया आपने, और प्रैक्टिस कितनी थी आपकी? मैं प्रैक्टिस 10 दिन की थी और टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मैंने टाइम से अच्छे से कर दिया, क्योंकि मेन बात होती रुके ना, रुकने के बाद आपकी रिदम टूट जाती है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते हो तो कभी कभी आप हल्का भी हो जाते हो, कभी ज़्यादा तेज़ भी होते हो, तो उससे हो जाता रिकवर अगर आप नहीं रुकते तो।